आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है हमारा एबीसी ट्रांसपोर्टर, जो ऑलरेडी सीएसआर जो नेट एग्जाम है उसमें पूछा गया था 2012 में, मई दिसंबर या जून में। सो बेसिकली ये एक शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया था एबीसी ट्रांसपोर्टर के बारे में। जो एबीसी ट्रांसपोर्टर है उसका फुल फॉर्म क्या है? एटीपी बाइंडिंग कैसेट, वो है ए। सो एटीपी बाइंडिंग कैसेट, एटीपी बाइंडिंग कैसेट का मतलब ही है एबीसी ट्रांसपोर्टर। ये एबीसी ट्रांसपोर्टर क्या सिर्फ प्रोकैरियोट में रहता है? नहीं, एबीसी जो ट्रांसपोर्टर है वो प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट दोनों में रह सकता है। उसके बाद आता है एटीपी। ऑब्वियसली एबीसी ट्रांसपोर्टर का अगर पूरा नाम देखें तो एटीपी बाइंडिंग कैसेट, उसमें ऑलरेडी एटीपी है। तो ये एटीपी का जो एनर्जी है, एटीपी को हाइड्रोलाइज एटीपी एंड पीआई के करने के बाद उस एनर्जी को यूज करके जो हमारा मॉलिक्यूल्स है उसको ट्रांसपोर्ट करता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। नाउ एबीसी जीन, नाउ कहाँ पर इसका ये एबीसी जो ट्रांसपोर्टर है इसको देखा जाता है? चाहे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, पारोक्सीजोम हो, माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन, इसमें ये देखा जाता है। चाहे बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हो, बैक्टीरियल मेम्ब्रेन हो, उसमें भी देखा जाता है। एबीसी जीन 7 सब फैमिली एमडीआर एंड टैप सब फैमिली आर इन्वॉल्व इन मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। सो बेसिकली जो हमारा कोई भी प्रोटीन हो वो कहाँ से बनता है? अल्टीमेटली आता है हमारा जीन से। सो एबीसी जो जीन है उसका सात सब फैमिली है, उसमें से सिर्फ एमडीआर एंड जो टीएपी जो हमारा सब फैमिली है वो आर इन्वॉल्व इन मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। बाकी जो सब फैमिली उसका नाम हमें इतना ज़्यादा याद नहीं रखना है। हमें ये भी जो नाम है एमडीआर टीएपी सब फैमिली, ये भी हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पर ये याद रखने की ज़रूरत है कि बाकी एबीसी ट्रांसपोर्टर का सात फैमिली है एंड वो सात जो फैमिली है वो सब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस में इन्वॉल्व नहीं रहता। बाकी जो छह वो इन्वॉल्व नहीं रहता। नाउ सबस्ट्रेट, एबीसी ट्रांसपोर्टर का जो जनरल जो सबस्ट्रेट वो क्या है? वो सबस्ट्रेट सुगर हो सकता है, एमिनो एसिड हो सकता है, मेटालिक आयन हो सकता है, पेप्टाइड्स हो सकता है एंड ऑब्वियसली प्रोटीन भी हो सकता है। नाउ ये एबीसी जो ट्रांसपोर्टर है इसको हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया इनफ्लक्स एबीसी ट्रांसपोर्टर और दूसरा हो गया इफ्लक्स एबीसी ट्रांसपोर्टर। इनफ्लक्स एबीसी ट्रांसपोर्टर नाम से ही हमें पता लगता है कि ये जो बाहर से कोई मॉलिक्यूल्स है उसको अंदर की तरफ लाएगा। दूसरी तरफ इफ्लक्स एबीसी ट्रांसपोर्टर जो जब हम एंटीबायोटिक एंड टॉक्सिन्स, ऑब्वियसली जो एंटीबायोटिक्स है कुछ बैक्टीरियाज है जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है, पर्टिकुलर कुछ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, वो एंटीबायोटिक को बाहर निकलने इफ्लक्स करने में ये जो हमारा एबीसी ट्रांसपोर्टर है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ यहां पर अभी हम देखे से जो एबीसी हमारा ट्रांसपोर्टर उसका जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। तो इसका स्ट्रक्चर से भी जो क्वेश्चंस है वो आ सकता है। तो इसका हम बैक्टीरिया का एक एबीसी ट्रांसपोर्टर देख रहे हैं जहाँ पे पेरिप्लाज्म है। पेरिप्लाज्म बेसिकली जो हमारा आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन बैक्टीरिया का उसका जो बीच में रहता है वो पेरिप्लाज्म। एंड पेरिप्लाज्म ये है हमारा जो मेम्ब्रेन एंड दूसरे साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में भी इनर मेम्ब्रेन। सो ये जो सेल मेम्ब्रेन है बैक्टीरियल मेम्ब्रेन है उसमें जो हमारा पार्ट है उसको हम कहते हैं टीएमडी, मतलब ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन। ऑब्वियसली ये ट्रांस मेम्ब्रेन एक डोमेन है क्योंकि एक्रॉस मतलब मेम्ब्रेन के बीच में वो है। दूसरी तरफ दूसरा एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं एनबीडी। एनबीडी का मतलब क्या है? न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन। न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन एंड एनएमडी से ही ये जो पूरा पार्ट ये क्रिएट होता है। न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन में एटीपी आएगा, फिर उसका हाइड्रोलाइज्ड होता है एडीपी एंड पीआई में एंड वो एनर्जी को काम में लाके सॉल्यूट को पास किया जाता है। यहाँ पर ऑल एक प्रोटीन है जो है सॉल्यूट बाइंडिंग प्रोटीन। ये सॉल्यूट बाइंडिंग प्रोटीन का काम क्या है? सॉल्यूट बाइंडिंग प्रोटीन पर्टिकुलर जो हमारा मॉलिक्यूल्स है जिसको
ये एबीसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू पास होना है, वो जाके ये सॉल्यूट बाइंडिंग प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा। उसके बाद ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स है ये जाके बाइंड करेगा हमारे एबीसी ट्रांसपोर्टर के अंदर। जब एबीसी ट्रांसपोर्टर के साथ ये बाइंड करता है तो हमारा एटीपी का रिक्वायरमेंट होता है। एटीपी आगे एडीपी एंड पीआई में फॉस्फोराइलेट होता है न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग साइट डोमेन में, एंड उसकी वजह से कुछ कॉन्फर्मेशन चेंज आएगा एबीसी ट्रांसपोर्टर में, एंड जो बाहर से जो मॉलिक्यूल्स है वो हमारा साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के अंदर आएगा। तो बेसिकली यही है हमारा एबीसी ट्रांसपोर्टर के बारे में। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।